हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम आपके साथ हैं हिस्ट्री का पार्ट थर्ड लेकर के चैप्टर नंबर 1। इसको हम सीक्वेंस में पढ़ा रहे थे और हमने आपको कहा भी था बिल्कुल हम एज ए स्टोरी पढ़ाएंगे जो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रहेगा। तो भाई स्टार्ट कर लें अपना, तो करते हैं अब अपना चैप्टर स्टार्ट। में थोड़ा सा एक तो रिकॉल करा दें आपको, लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि भाई वापस से सब कंजर्वेटिव यूरोप में आ गया था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टी को वहाँ पे हरा दिया गया था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, सब आपको पता है। सेकंड वीडियो में आपने ये सब चीज़ दे रखी होगी और कंजर्वेटिज्म आ गया था। फिर हमने कुछ कंजर्वेटिव के फीचर्स भी बताए थे आपको कि कंजर्वेटिव के फीचर्स मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा थी, राइट। डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सेंसरशिप थी, किसी को भी किसी काम को करने के लिए परमिशन नहीं थी, ठीक है। अच्छा और क्या, बिल्कुल भाई मोनार्की पूरी तरीके से मोनार्की हावी उन्होंने कर रखे थे वहाँ पर। धीरे धीरे हमने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिवॉल्यूशन यहाँ पर शुरू हो गया था, क्योंकि हमने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो किसी भी चीज़ का मतलब हमें क्या 100% वो चीज़ हमारे अंदर से चली जाए, फीलिंग्स चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बच गया, बस बच गया। और ऊपर से जो कंजर्वेटिज्म थे उनका जो काम वो लोग कर रहे थे जिस तरीके से, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो लोगों को बच नहीं रहा था। तो क्या हुआ, धीरे 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 रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। रिवॉल्यूशन कैसे हुआ भाई, आप रिवॉल्यूशन खुलेआम तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, है ना, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में था। क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटीज़ बननी स्टार्ट हुई। सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है, सीक्रेट सोसाइटी वो जिसके बारे में किसी को पता नहीं, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं था, पर यूरोप के हर एक पार्ट में, है ना, फ्रांस हो, इटली हो, स्विट्ज़रलैंड हो, कहीं छोटे 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 ये ना ये बननी शुरू हो गए। ये कैसे बनती थी, ये छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे यहाँ पर बैठ करके, वो रिवॉल्यूशनरीज, वो लोग जो चाहते थे कि भाई वापस से हम लिबरल हो जाएं, वापस से ये जो सिस्टम था हमारा जो था कंजर्वेटिज्म वापस आ गया, वो नहीं, वापस से हम डेमोक्रेटिक हो जाएं, वापस से हम लोग फ्री हो जाएं, इस चीज़ की वो लोग वहाँ पर बैठ करके छोटे 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 प्लानिंग करने लगे। इसे कहते हैं सीक्रेट सोसाइटीज़, ठीक है। ये काम होने लगा। अब इसी में क्या हुआ, इसी में एक नाम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम है, ये कौन थे, ये भी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, इटली के थे, है ना। इनका बॉर्न ये जिनेवा में था 1807 में, इसका एक पार्ट है छोटा सा। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनी के, ठीक है। अच्छा ये भी जैसे अपने नहीं थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी टाइप के थे, जैसे महात्मा गांधी वो साइलेंट वे में काम करते थे, ये वो लोग कैसे थे, एग्रेसिव वे में काम करते थे, बस वही थे। इन्होंने क्या किया था, ये समझिए ये लिंगूरिया एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने रिवॉल्यूशन करने का अटैम्प्ट किया था, एक बहुत बड़ा प्रयास किया था कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन आएगा, लेकिन वहाँ पर वो फेल हो गए थे इस काम में और उनको एक्साइल कर दिया गया था। एक्साइल मतलब देश निकाला होता, वो देश निकाला कर दिया गया था इनको, ठीक है। सिर्फ कितने थे उस टाइम पर, सिर्फ 24 साल के थे, तब उनके साथ ये काम कर दे। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप ये सारी बातें एज अ पॉइंट भी लिख सकते हैं उसमें, और पॉइंट में आप ऐसी स्टोरीज से याद करोगे ना तो हो जाएगा कि भाई उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर यूरोप में और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्यूशन में सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। सीक्रेट सोसाइटी में एक ये थे गिसिओसुपे मेज़िनी थे, जिन्होंने इतने सारे इसमें काम किए थे। और क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या, ही फाउंडेड टू अंडरग्राउंड सोसाइटी, उन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी। इसके नाम भी आ जाते हैं पेपर में आपके, एक यंग इटली थी और एक यंग यूरोप था। यंग इटली तो थे मार्सेल्स में और यंग यूरोप था बर्ने में। और इसमें जो मेंबर्स थे इन दोनों के, इसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, माने आप ये समझ सकते हैं कि यूरोप के जगह जगह के पार्ट के लोग इसमें मेंबर्स थे और इन्हीं के एज ग्रुप के लोग, तो इन्हीं की जैसी सोच रखते थे। गिसिओसुपे उसमें मेज़िनी सोच रखते थे कि ईश्वर मतलब गॉड ये चाहता है कि हम सब लोग कैसे बने रहे, यूनाइटेड हों, एकजुट हों, इसीलिए तो उसने हम सबको ऐसा बनाया है। तो वो जिस सोच के थे, उन्होंने कभी भी कंजर्वेटिव या मोनार्कीज का साथ नहीं दिया, तो नहीं दिया लास्ट तक। वो कभी भी पलटे नहीं अपनी बात से कि कभी आज इधर कभी आज इधर, ऐसा नहीं। उनको वो नहीं, मोनार्कीज उनको नहीं अच्छे लगे, तो नहीं अच्छे लगे कभी भी। इसीलिए तो मैट्रिच थे ना, उन्होंने उनके लिए कहा था कि वो सबसे ज़्यादा एक खतरनाक रिवॉल्यूशनरी हैं, किसके लिए, पूरे यूरोप के लिए,
बहुत खतरनाक है, सब डरते थे उनसे। लास्ट में सब उनसे डरने लगे थे, जितने भी ये जो कंजर्वेटिव के लोग थे वो सब उनसे डरने लगे थे। उनको लगने लगा था कि अगर ये बना रहा तो बस कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से रिवॉल्यूशन तो आना ही आना है। समझ गया मेरी बात को? तो इस तरीके से यूरोप में क्या हुआ, यहाँ पर रिवॉल्यूशन धीरे 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 होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये जो रिवॉल्यूशन पे चलते हैं, ये जो रिवॉल्यूशन मतलब ये एक पूरी लिखी हुई है 1830 से लेकर के 1848 का पीरियड ऐसा था यूरोप में जो आप समझ सकते हैं रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन हुए इसमें, है ना। फ्रांस रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था और लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहा। अच्छा एक और चीज़ होती है हिस्ट्री में कि एक दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे अपने अभी अगर हम देखते हैं इंडिया में तो 1857 में सबसे पहले हुआ था फर्स्ट रिवोल्ट, है ना, आज़ादी कब मिली जा करके 47 में, 90 साल लगे ना, है ना। तो बस उसी उसी जितने भी उसमें इंसिडेंट्स हुए थे उसको हम अगर नंबर बाई नंबर देखते ना, वही यहाँ पर हो गया या फिर भी जल्दी हो गया सारा। अपना तो बहुत ही लंबा था, अपन हम पढ़ाएंगे अभी आपको, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, अपनी इंडिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी आपको, राइट। चलते हैं देखो यहाँ पर अगर हम देखें यूरोप में सबसे पहले कब हुआ था, तो जुलाई 1830 में भाई स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, बर्बन किंग था, बर्बन डायनेस्टी हमने पढ़ाया था, जिसको कि ना उन लोगों ने वापस से उसको रिस्टोर कर दिया गया था जब जब टिटियो वैना हुआ था तब, है ना। उसको यहाँ पर आकर के क्या कर दिया गया, ओवरथ्रो कर दिया गया। ओवरथ्रो मीन्स होता है सिंहासन से हटा देना। कब हटा दिया गया, 1815 में उसको हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया गया, ठीक है, जिसे लुइस फिलिप उसका हेड था। कौन था, लुइस फिलिप उसका हेड बना दिया गया। ये कुछ चेंजेस आए थे, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको उस टाइम पे, जो चेंजेस आए थे यूरोप में, रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हो रहा था वो कैसे हो रहा था, एक दूसरे को देख देख के हो रहा था, एक दूसरे को देख देख के हो रहा था। और क्या हुआ, अब इसको देख करके बेल्जियम में, इसको देख करके बेल्जियम में ब्रेकिंग हो गया, यहाँ से बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन हुआ और रिवॉल्यूशन होते होते बेल्जियम यूके से अलग, भले यूके का पार्ट था, यूके से अलग होके वो अपना भाई इंडिपेंडेंट हो गए, सब एक दूसरे को देख देख के हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या हुआ, एक ग्रीक वार हुआ, ग्रीक वार हो गया इंडिपेंडेंट वार, इसको हम कहते थे क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ग्रीक जो है जैसे एक कुछ होते हैं ना, जिस जैसे से बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी कह सकते हैं या फिर सेंटीमेंट्स भी कह सकते हैं जिसके जुड़े हुए होते हैं किसी भी सिटी के साथ, किसी भी कंट्री के साथ, जैसे अपने इलाहाबाद के साथ क्योंकि वहाँ पे गंगा है, उसके साथ हो सकता है अपने सेंटीमेंट्स जुड़े होते, ऐसे ही यूरोप के किससे जुड़े हुए थे, ग्रीक से जुड़े हुए थे, है ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिविलाइजेशन। अच्छा यहाँ पर क्यों हुआ था, क्योंकि अंगेस्ट मुस्लिम एम्पायर टर्की, है ना, वो थे वहाँ पर, टर्क थे वहाँ पर सारे, तो वो मुस्लिम एम्पायर के अंगेंस्ट में उन लोगों ने रिवॉल्ट किया था यहाँ पर। यहाँ पर एक लॉर्ड बायरन का नाम भी आएगा, ये इंग्लिश पोइट थे, इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया था, बहुत सारा फंड इकट्ठा किया और उसके लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी की और एंड में आकर के वो मर भी गए थे इसके लिए, ठीक है, 1832 में। और लास्ट में आकर के एक ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था और यहाँ पर आकर के फाइनली ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो ये बताने का मतलब क्या है कि ये रिवॉल्यूशन के एज थे, एक के बाद पूरे यूरोप कोई छोटा नहीं है यूरोप, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा है, हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ चलता ही रहा वहाँ, ठीक है ना। तभी तो लास्ट में जा करके भाई कुछ अच्छा मिलेगा, बस वही हो रहा है यहाँ पर। आप इसको उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पॉज करके, तो ये आपको लाइन बाई लाइन चीज़ें मिल जाएंगी सारी, क्योंकि इसके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर करके आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन में और क्या क्या रिवॉल्यूशन हुए, या फिर इन रिवॉल्यूशनरीज ने किन किन चीज़ों को अपना वेपन बनाया, है ना भाई। नेशनलिस्ट की फीलिंग हमको किसी के अंदर डालनी है, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन, तो हम उस नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे दूसरे के अंदर और ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलते हैं उसकी साइड पे, चलते हैं भाई। तो रिवॉल्यूशनरीज में हम पढ़ेंगे अब रिवॉल्यूशन में रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। क्या चल रहा है यहाँ पर, यहाँ चल रहा है कि रिवॉल्यूशन आया हुआ है, ठीक है, रिवॉल्यूशन आया। अब क्या रिवॉल्यूशन में सिर्फ वॉर होते हैं, ठीक है ना, मतलब अपनी नेशनल टेरिटरी को बढ़ाना, सिर्फ इससे नेशन स्टेट तैयार नहीं हो रहे थे, ये सोचा जाने लगा
तो रोमांटिज्म की फीलिंग आई। रोमांटिज्म क्या? रोमांटिक होना किस चीज के लिए, किससे प्यार करेंगे आप? आप अपने नेशन से प्यार करें, ठीक है, उसके लिए रोमांटिक हो जाएं। तो वो रोमांटिसिज्म की फीलिंग अब लोगों के अंदर आए, माने लोग ये नहीं सिर्फ लड़ाई करते रहो, इसको मारो, उससे पीटो, ये नहीं ना। अगर आपके अंदर खुद में को फीलिंग आ जाएगी, है ना, जैसे एक एक हम आपको बताएं, हम आपसे कहें नहीं आप पढ़ो 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 आप पढ़ो, नहीं, अगर आपके अंदर खुद में वो फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी तो किसी कोई आपको एनकरेज करे, देयर इज नो नीड टू एनकरेज, राइट। बस वही हो रहा था, बस वही उन्होंने करना शुरू किया यहाँ पर, कि रोमांटिक, कि उन्होंने कहा कि वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से कुछ भी नहीं होने वाला है, कि हम वॉर करते रहें या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते रहें तो क्या नेशन स्टेट बनते रहेंगे? नहीं, नेशन स्टेट्स किससे बनेंगे? बनेंगे कल्चर क्रिएटेड आइडिया ऑफ ए नेशन। आप कल्चर लेकर के आए, जो कल्चर आपके अंदर था, जैसे हम लोग इंडियन है ना, तो वो जो इंडियन कल्चर है हमारे अंदर, है ना, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंडिया में रहें या इंडिया के बाहर है कोई मैटर ही नहीं करता है ना। हम इंडिया के हैं और इंडियन कल्चर हमारे अंदर है, तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हैं वो कल्चर हमारे अंदर रहता है। बस अब वो लोग क्या करने लगे, वो यूरोपियन कल्चर को क्रिएट करने लगे सबके अंदर, सब अपने अपना कल्चर अपने अंदर लेकर के आओ, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने से पहले गेसुस पे मैजे ने आपको पढ़ाया था, उन्होंने भी तो ये वाली बात कही थी कि सब अपने अपने में यूनिफाइड हो जाओ, जैसे फ्रांस अपने में हो जाए, इटली अपने में हो जाए, जर्मनी अपने में हो जाए, सब अपने अपने में यूनिफाइड हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जो बीच बीच में जो छोटे छोटे टेरिटरीज टेरिटरीज बने हुए हैं, टूटे हुए हैं, किंगडम्स बने हुए, उन्हें हटा करके एक हो जाओ, है ना, तभी तो ये जो 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 कल्चर है वो आएगा। बस वही होने लगा। अब उन लोगों ने कहा नहीं, वॉर नहीं, ये काम करो, कल्चर अपने अंदर क्रिएट करो, ठीक है। ये कौन कर रहा था? जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे या फिर हम इसको रोमांटिसिज्म कह सकते हैं, वो लोग ये काम करना शुरू किया। और क्या, आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, स्टोरीज शेप द नेशनल फीलिंग। सच बात है, फीलिंग्स को अगर जगाना हो तो आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट करें, है ना। म्यूजिक इतनी एक बहुत एनर्जेटिक चीज़ होती है, आप सुने तो एनर्जी आपको गेन करता है। जैसे अगर आप पेट्रोटिज्म के सुनेंगे तो वो पेट्रोटिज्म फीलिंग अंदर आने लगेगी आपके अंदर, है ना। अगर आप जैसे रिलीजियस कोई भी अगर आप ऐसे सुनते हैं तो वो रिलीजियस की फीलिंग अपने अंदर आने लग जाती है, राइट। बस वो भी यही इसी बात के लिए कहा था उन्होंने कि आर्ट, पोइट्री और म्यूजिक और स्टोरीज को उन्होंने यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे अपने इंडिया में हुआ था ना उस टाइम पे, तो वो सब देशभक्ति के गाने, देशभक्ति का ये, देशभक्ति का ये, तो वो सबके अंदर वो फील करना, राइट। और क्या हुआ, रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द रीजन एंड साइंस। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना, ये सभी आर्टिस्ट बन गए थे, जो लोग ये काम कर रहे थे ना, जो पोइट्री लिख रहे थे इसके बारे में, या फिर इसके रिलेटेड कोई स्टोरी बना रहे थे, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मतलब आर्टिकल लिख रहे थे, ये सब क्या बन गए थे, आर्टिस्ट बन गए थे। इनको रीजन और साइंस नहीं अच्छे लगते थे, क्योंकि रीजन और साइंस, भाई ये साइंस क्या होता है, वो उसको हर चीज़ प्रैक्टिकली चाहिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, वो नहीं उनके, उनको क्या करना था, उनको तो सिर्फ इमोशन से मतलब था, इमोशन अच्छे होने चाहिए, तो उनको वो क्या करते थे, वो उसको क्रिटिसाइज करने लगे थे। और क्या हुआ, इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग वर द एनकरेज। इस ये तो फीलिंग्स थी ही नहीं, आप इमोशंस वगैरह ये सब, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, सब एनकरेज बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाया जा रहा था, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था हर चीज़ को, है ना। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आप किसी के साथ भी ना, आप किसी को फोर्सफुली काम नहीं करो, आप उसको इमोशनली काम आराम से करा सकते हो। बस वही हो रहा था, लोगों के अंदर वो इमोशंस जगाए जा रहे थे, इमोशंस जगाए जा रहे थे कि भाई वो कैसे भी इमोशंस बढ़ जाएं लोगों के, और लोग कैसे होने लगे अपने नेशन से प्यार करने लगे, ठीक। और चलते हैं आगे, कलेक्ट लोकल फोकलोर। क्या किया गया, लोकल जो फोकलोर होती है ना, जैसे अपने इंडिया में है ना, हर जगह की अपनी अपने कुछ फोकलोर होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया और उससे रिलेटेड वो चीज़ों को वहाँ पे लाइक, जैसे राजस्थान में राजस्थान के हो जाते हैं, यूपी में यूपी के, है ना, अलग अलग है ना अपने, तो डांस भी अलग अलग है, वेराइटीज़ है इंडिया में, डाइवर्सिटी इन द वेराइटी ऑफ इंडिया, है ना। आगे देखते हैं, यूज लैंग्वेज टू रेसिस्ट फॉरेन डोमिनेंस। और फॉरेन डोमिनेंस को दूर करने के लिए लैंग्वेज पे बहुत कमांड किया गया, है ना। अगर जैसे अपने इंडिया में सेम है, हिंदी को प्रमोट किया गया इंग्लिश के कंपैरिजन में,
ठीक है ना। तो डोमिनेंसी, फॉरेन डोमिनेंसी को रोकने के लिए लैंग्वेज को भी यूज़ किया गया था। दो एग्जाम्पल भी हैं आपकी बुक में भी दे रखे हैं, पोलैंड का और दूसरा रशियन लैंग्वेज का। जैसे पोलैंड आपने उस टाइम पे देखा था ना, पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, तब पढ़ाया था हमने, पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था। तो भी पोलैंड में भी यही हुआ, ये जो थे कारोल कुरपिंस्की, इसका तो नाम ही हम भूल जाते हैं, वो थे जी नाम कारोल कुरपिंस्की, ये थे, इन्होंने म्यूजिक ओपेरा ये सब चीज़ों को अपने इकट्ठा करके, और इससे इससे वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एनकरेज किया था पोलैंड में। और ऐसे ही रशियन में हुआ था, रशियन में भी क्या हुआ था, रशियन लैंग्वेज और पोलिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर झगड़े हुए थे, स्कूल से हटा दी गई थी पोलिश लैंग्वेज बिल्कुल ही, है ना, बच्चों को नहीं पढ़ाने दिया है। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल हुआ और लास्ट में आ करके फिर पोलिश लैंग्वेज को मैंने एक डोमिनेसी कह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का वहाँ पर एक दर्जा दे दिया गया था, मैंने चर्च में उसको यूज़ करने का हो गया था कि हाँ भाई चर्च में यूज़ कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को भी एक तरीके से नेशनलिज्म के लिए यूज़ किया गया, समझ गया मेरी इस बात को, मतलब रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स का। क्लियर, चलते हैं, अब चलते हैं और क्या क्या हुआ वहाँ पे। अब भाई ये तो कुछ अच्छा अच्छा हो गया, कुछ ख़राब भी होने शुरू हो गया था यूरोप में, वो ख़राब क्या हुआ था, चलें उस साइड पे। स्टार्ट करते हैं भाई अपना नेक्स्ट, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, जब आप चैप्टर पढ़ा करें तो बुक अपने पास ज़रूर रखेंगे, एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की बुक आपके पास होनी चाहिए, तो क्योंकि इसमें सब कुछ पहले वाइज दे रखा होता है, तो हम आपको ये दिख जाएगा कि इसमें कोई भी चीज़ कहीं पर भी स्किप नहीं हो सकती। चलते हैं, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। भाई ये सब कुछ तो चल रहा था, अभी हमने आपको बताया कि रिवॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, इसके बीच में क्या हो गया यूरोप में, यूरोप में एक इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी तकरीबन 1830s के डिकेड में, तो हाफ में लगभग था ये। क्या हुआ वहाँ पर कि एनमरस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड ओवर यूरोप, बहुत ज़्यादा यूरोप में, सारे यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। अब आप सोचे पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ती है तब क्या हुआ, भाई जॉब तो उतनी ही है, काम उतना ही है, ठीक है ना, उससे रिजल्ट क्या निकला, उससे रिजल्ट निकला रिड्यूस्ड जॉब, जॉब कम हो गई। आप समझ सकते हो ना, जॉब कम होगी क्या होगा, पॉवर्टी ही आएगी ना, गरीबी ही आएगी, और क्या होगा, है ना, लोग काम की तलाश में रूरल माइग्रेट टू सिटीज, शहर आने लगे कि भाई गांव में काम नहीं है तो ठीक है भाई शहरों में काम करने के लिए चलेंगे, तो क्या हो गया, सिटी ओवर क्राउडेड हो गई, सिटी में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे थे। और क्या हुआ, गांव के पास लोगों के पास काम नहीं था, तो पीसेंट्स बर्डन विद द फ्यूल लॉस, जितने भी पीसेंट्स थे उनके ऊपर और ज़्यादा, उन्होंने जो लोन ले रखा था लोन पर लोन लोन पर लोन उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था, ठीक है, फसल भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। यहाँ पर कॉम्पिटिशन बिटवीन द हैंडमेड गुड्स एंड द चीप मशीन मेड गुड्स, ये भी बहुत बड़ा एक था। यहाँ पर क्या हुआ, हाथ से बनाते थे जो वेवर्स थे वो, है ना, और जो मशीन से बन के, मशीन में एक बार में बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, बहुत सारा सामान बन जाता है, तो वो चीप होता है दूसरे के हाथ से बनने के कंपैरिजन में, उनमें हो गया बहुत ज़्यादा कंपटीशन, क्योंकि जो मशीनों से सामान बनता था वो बाहर से आ जाता था, वो मार्केट में बिकने लगा था, तो जो हाथ से बनाते थे वेवर वो सारे कैसे हो गए थे, जॉबलेस हो गए, उनके पास काम ही नहीं था, बिल्कुल ही काम नहीं था, तो क्या होगा, काम ना होने की वजह से वहाँ पर क्या होने लगा, चारों तरफ मतलब, और खाने के लिए कुछ नहीं, और चीज़ों की प्राइसेस, क्योंकि क्रॉप नहीं हो रही थी तो चीज़ों के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, यही हुआ राइस ऑफ द फूड प्राइस, क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, ठीक है, ऊपर से ये काम हो गया, इस काम की वजह से क्या हुआ, पीसेंट्स और वीवर्स ने रिवोल्ट कर दिया। एक रिवोल्ट का एक इंसिडेंस भी आता है, एक ये छोटा सा यहाँ पे एक गांव था समझ लीजिए, इसका नाम सिलेसियन है ना, सिलेसियन विलियम, हाँ विलियम करके ही कोई एक वो थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा है गाँव के बारे में, ये 4 जून को हुआ था इंसिडेंस, तो बता देते हैं आपको क्या हुआ था। यहाँ पर वीवर्स थे, यहाँ पर काम करते थे वो लोग, है ना, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था उससे बहुत कम पैसों में काम कराता था, उन्होंने उसे उनसे कहा कि भाई हमारे थोड़े से पैसे बढ़ा दो, नहीं सुना, फिर वो लोग एक दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे हो करके उसके पास गए, उन्होंने उसको धमकाया बताया कि भाई हमारे थोड़े से रुपए वेव, हमारे जो वेव है वो जो दिया जाता है वो सही नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें इंक्रीजमेंट कर दो, मना कर दिया, उन्होंने उसके घर पर तोड़फोड़ कर दी, ज़्यादा कर दी, तो वो जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था तो वो पड़ोस के गाँव में भाग गया वहाँ से, जो वहाँ वो गया जिस गांव में उन लोगों ने भी उसको शेल्टर नहीं दिया, वो वापस से आया लेकिन अपने साथ बहुत सारी फोर्स को लेकर के आया, उसके बदले में इनके तकरीबन
कोई 14-15 लोगों को उन्होंने मार दिया। बस यहाँ से फिर से एक और रिवॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि काम नहीं था। और काम क्यों नहीं था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उनका वो जैसे इंडिया में हुआ था कि जो फिनिश गुड्स था वो क्या था, यहाँ से रॉ मटेरियल, वहाँ से फिनिश गुड्स, बस वो भी वहाँ पे भी वही होने लगा था। उसकी वजह से यहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैरेज की साइड पर। तो स्टार्ट करते हैं अब बस आज के वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। भाई अब बहुत सारे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए, तो एक जो अभी जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ना जितने भी वेवर्स थे और जो पीसेंट्स थे उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया, तो ऐसे करके रिवॉल्यूशन अब बहुत ज़्यादा होने लगे और लोग एक दूसरे के साथ, जैसे रिवॉल्यूशन लेड बाय द अब एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोगों ने शुरू कर दिया। ये कहाँ के लोग थे, ये थे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के। क्या चाहते थे ये लोग, क्या डिमांड कर रहे थे, ये भी नेशन स्टेट चाहते थे। ये चाहते थे भाई पार्लियामेंट बन जाए और क्या बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, है ना। तो इन लोगों ने भी शुरू कर दिया रिवॉल्ट यहाँ पर। चलें आगे क्या होता है कि जर्मन रीजन्स में सिटी एक ये था फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए और वो सारे फिर कहाँ गए, वो पहुँच गए फ्रैंकफर्ट, पार्लियामेंट उन्होंने बना लिया आपस में इकट्ठे होके। और उन सब ने ये सोच लिया कि जर्मनी में वो जो नेशनल असेंबली है वो लोग सब मिलकर के उसे वोट देंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या बना लिया, एक उन्होंने पार्लियामेंट बना दिया। कहाँ बनाया, चर्च था एक सेंट पॉल में, वहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट बना लिया। पार्लियामेंट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया उन लोगों ने वहाँ पर मिल करके। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कुछ जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने सेट किए वो सारी चीज़ें उन्होंने बना ली। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मोनार्की सिस्टम एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या हो जाता है, फिर वो मोनार्की ऑटोक्रेटिक नहीं रह जाता, वहाँ पर फिर वो काम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन उसमें लिख रहे होंगे वो उन्होंने वहाँ पर ड्राफ्ट हो गया। चलते हैं आगे, फिर क्या हुआ, जर्मनी टू बी गवर्न थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जर्मनी यहाँ पर अभी हम जर क्योंकि हम यहाँ पर जर्मनी की ही बात कर रहे हैं सारा, जर्मनी में क्या क्या हुआ था, जर्मनी को गवर्न करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से ही अब गवर्न किया जाएगा। भाई उसके लिए एक राजा भी तो होना चाहिए, तो राजा के लिए उन्होंने ऑफर किया फ्रेडरिक विलियम को फोर्थ को, जो कि प्रूशिया के किंग थे, उनको उन्होंने ऑफर कर दिया। उन्होंने उसे मना कर दिया, हाँ कि हमें नहीं चाहिए। तो जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया, जो उनके अपोजिशन के लोग थे वो अपोजिशन में, और फिर से एक बहुत बड़ा यहाँ पर झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। वुमेन भी आ गई इसी बीच में, उनको भी अपना अधिकार था, उन्होंने भी पॉलिटिकल अपनी जगह जगह एसोसिएशन बना ली, उनको भी उनको एजुकेशन का भी अधिकार उनको चाहिए था, वोट देने का भी अधिकार उनको चाहिए था। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सोशल बेस ऑफ द पार्लियामेंट शिफ्टेड टू द मिडिल क्लास डोमिनेंस। अब क्या हो गया, मिडिल क्लास डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, जो मिडिल क्लास के लोग थे क्योंकि वे एजुकेटेड थे उनमें डोमिनेंसी अब बहुत ज़्यादा हो गई। कहीं पर जो मोनार्किस थे अब उनके मन में डर बैठ गया इस बात के लिए कि क्योंकि देखो आपको भी ये पता है कि जैसे जैसे इंडिया में हुआ था, इंडिया में कितने सारे रिवॉल्यूशन हुए है ना, कितने सारे हुए तब जा कर के हमको आज़ादी मिली। ऐसे ही रिवॉल्यूशन एक के बाद एक होते जा रहे थे, हालांकि इसको सप्रेस कर दिया गया था, इसको दबा दिया गया था, ये जो हुआ था ये पूरी तरीके से फेल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स लोगों के मनों में रह जाते हैं। बस यही डर इनके मन में भी आ गया, जो मोनार्किस थे जो ऑटोक्रेटिक थे उन लोगों ने अब क्या किया, उन्होंने जितनी ज़्यादा जैसे वो जो लोग जो ज़्यादा परेशान करते थे अब उन्होंने उसको थोड़ा सा वहाँ पर कम करना शुरू कर दिया। मैंने उनके मन में ये फीलिंग आ गई थी, जैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के मन में ये आ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको वास्तव में यहाँ से जाना पड़े, है ना, ऐसे ही उनको ये लगने लगा, ऐसा ना हो कि ये हमको छोड़ना पड़े। तो उन्होंने जो बॉन्डेड लेबर वाला वहाँ पर जो सिस्टम था कि वो जो बंधुआ मजदूर बना लेते थे उसको उन्होंने वहाँ से एबोलिश कर दिया, और धीरे धीरे कुछ यहाँ पर उन्होंने सुधार करने स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर चलते हैं आगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की साइड, इटली यूनाइटेड कैसे बना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा और इसको रिवाइज करना होगा क्योंकि इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, है ना, इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं। आप उसको वन बाई फिर हमने कहा बुक सामने रखें और वीडियोस एक एक करके देखें, पार्ट वन, देन पार्ट टू, देन पार्ट थ्री, बहुत आराम से ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं।
डेफिनेटली आपको आई विल गिव यू आंसर। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।